वीरभद्र के आसिनडहा बॉर्डर पर उस समय हजारों की संख्या में श्रमिकों का बॉर्डर पर हजूम उमड़ गया, जब छत्तीसगढ़ से लाकर उन्हें आसनडीही बॉर्डर पर छोड़ दिया गया। आपको बता दें कि आसनडीही बॉर्डर पर श्रमिकों द्वारा हल्ला मचाना शुरू कर दिया गया, जिसे सोनभद्र प्रशासन ने गंभीरता से लिया। प्रशासन ने सरकारी बस भेजकर म्योरपुर के श्री राम डिग्री कॉलेज राजपहरी में क्वारंटीन कराया है, जिसे बसों के माध्यम से उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। आसनडीही बॉर्डर पर उस समय अफरा तफरी मच गई, जब अचानक हजारों की संख्या में श्रमिकों की भीड़ लग गई। आपको बता दें कि रायगढ़, रायपुर, उड़ीसा, जशपुर, जगदलपुर, रजनंद, बिलासपुर, सूरजपुर, अंबिकापुर, बैकुंठपुर, आंध्र प्रदेश से सभी मजदूरों को वाहनों द्वारा छत्तीसगढ़ यूपी बॉर्डर पर छोड़ा गया है। जैसे ही हजारों की संख्या में आसनडीही बॉर्डर पर मजदूरों का जत्था पहुंचा, अफरा तफरी मच गई। जिला अधिकारी एस राजलिंगम ने सूचना मिलते ही सभी मजदूरों को श्री राम डिग्री कॉलेज म्योरपुर क्वारंटाइन सेंटर पर भेजा। यहां आपको बता दें कि प्रवासी मजदूर जनपद के विभिन्न सीमाओं से आ रहे हैं। जो सीमाएं जनपद से नहीं लगी हैं, वह रेलगाड़ी के माध्यम से जनपद में आ रहे हैं। सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ से मजदूर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश, झारखंड से भी मजदूर जनपद में ज्यादा आ रहे हैं। जो भी मजदूर आ रहे हैं, उनमें से 25% जनपद के होते हैं और बाकी अन्य जनपद या अन्य राज्य के होते हैं। सोनभद्र से संवाददाता पंकज सिंह की रिपोर्ट। प्रवासी मजदूर विभिन्न सीमाओं से भी आ रहे हैं और जो सीमा से लगे हुए राज्य नहीं है, वहाँ से रेलगाड़ी के माध्यम से, ट्रेन के माध्यम से विभिन्न स्टेशनों पर प्रवासी श्रमिक आ रहे हैं। वास्तव में यहाँ कुल 3 राज्य के जो लगी हुई सीमाएं हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, इनसे प्रवासी श्रमिक सीधे आ रहे हैं। सबसे अधिक श्रमिक छत्तीसगढ़ से 2-3 दिनों में आ रहे हैं, 2-3 दिनों से, और इसके पूर्व झारखंड से काफ़ी संख्या में श्रमिक आ रहे थे। मध्य प्रदेश से तो निरंतर आगमन हो रहा है इस जनपद में, और वो इसमें 50-60-70% तक श्रमिक अन्य राज्यों के रहते हैं, कुछ 20-25-30% ही श्रमिक सोनभद्र ले के रहते हैं। तो सर, जैसा देखा गया कि छत्तीसगढ़ की सीमा पर जो है श्रमिकों द्वारा कभी प्रवेश को लेकर जो है हल्ला भी किया जाता है, तो क्या दिक्कतें आती हैं इनको अपने जिले में लेने? देखिए, ऐसा है कि वहाँ श्रमिकों को हल्ला की बात नहीं है, क्योंकि ज़्यादा संख्या में आते हैं तो सवारी वगैरह का इंतजार करना पड़ता है, इसलिए संख्या ज़्यादा हो जाती है तो थोड़ा सा विलंबित होने की बात आती है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। 1-2 घंटे के इंतजार के बाद उन्हें बसों के माध्यम से हम अपने 10 ट्रांजिट सेंटर बनाए हैं। छत्तीसगढ़ सीमा पर हमने 2 ट्रांजिट सेंटर बनाए हैं, झारखंड की सीमा पर भी 2 ट्रांजिट सेंटर बनाए हैं, और इसी तरह से मध्य प्रदेश की सीमा पर भी 2 ट्रांजिट सेंटर बनाए हैं, और इसके अलावा 4 मुख्यालय पर भी सेंटर बनाए गए हैं और 1 बोरावल में भी बनाया गया है। कुल 11 सेंटरों के माध्यम से हम मजदूरों की आमद कर रहे हैं और उन्हें अपने गंतव्य तक भेज रहे हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.